हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी बहुत बड़ी न्यूज एक आप सभी के सामने आ रही है। टीवी पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कल से ये पंगा चल रहा है कि भाई चाइनीज ऐप्स को बैन किया जाएगा। 59 ऐप्स की लिस्ट जो थी वो इंडियन गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने साफ साफ दे दी थी कि भाई इन चाइनीज ऐप्स को बैन किया जाएगा। कब करेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं पहला कदम बढ़ा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। जी हाँ, टिकटॉक जो था वो बैन हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जब टिकटॉक को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ आता है नो नेटवर्क कनेक्शन। जो टिकटॉक है वो चल नहीं रहा, हालांकि अभी बाकी एप्स पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। शेरिट वगैरह अभी ओपन हो रहे हैं, कैम स्कैनर वगैरह अभी चल रहे हैं, लेकिन टिकटॉक ने तो भैया टिकटॉक की तो लेनी देनी कर दी अच्छी तरीके से। तो कहने का मतलब ये कि टिकटॉक अब बैन हो चुका है। अब बस यही देखना है कि भाई इस जो ये कदम उठाया है गवर्नमेंट ने इस पे बस कायम रहे, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि हर बार ये बोल देती है लेकिन करती नहीं है। पिछले साल भी मोस्टली आपको पता है कि अप्रैल के टाइम पे भी ऐसी दिक्कत आई थी जब ये कहा गया था कि टिकटॉक को जो है वो बैन करेंगे, कर भी दिया था, प्ले स्टोर से हटा भी दिया था, लेकिन फिर वही हुआ क्या हुआ। तो उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जो है वो इन टिकटॉक ऐप को जो है वो बंद किया जाएगा। और इनफैक्ट टिकटॉक ही नहीं, बाकी जितनी भी ऐप, और मैं तो कह रहा हूँ 59 ही क्यों, चाइना की जितनी भी चीजें सबको बैन करो यार, सबको बॉयकॉट करो, बिकॉज चाइना की वजह से पूरे देश में पूरी दुनिया में इतना नुकसान हो रहा है, इंडिया में भी इतना नुकसान है। तो भाई इस बार बारी हमारी है, इस बार लेंगे अच्छे से चाइना की। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये टिकटॉक विकटॉक जितने भी तरीके की एप्लीकेशन है, इसको बैन होने के बाद चाइना को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। उम्मीद तो यही है कि ऐसा ही होगा, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम और आ जाएगी जब टिकटॉक बैन हो जाएगा, तो भैया जो टिकटॉक के जितने भी परिंदे हैं ना, ये जो लड़का लड़की जो है, ये जो मतलब मेल फीमेल बन रहा है, फीमेल मेल बन रहा है, जो नौटंकीबाज है ना, अब ये सारे के सारे यूट्यूब पे आके यूट्यूब वालों को परेशान करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है, कि कंपटीशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कैसा रहता है, क्या रहता है, यूट्यूबर्स के लिए प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती, वो तो आगे देखेंगे। तो फिलहाल ये थी आज की अपडेट और ये थी आज की न्यूज की टिकटॉक जो है वो बैन हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि आगे ये हमेशा के लिए बैन रहे, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चाइनीज ऐप्स को बाइकआउट करें और जितना हो सके इंडियन ऐप्स की तरफ बढ़े, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के बहुत सारे ऐप्स का अल्टरनेटिव ऐप्स भी इंडिया में है। इंडिया को सपोर्ट करोगे तब इंडिया आगे बढ़ेगा, इंडिया ग्रो करेगा तो ही हमारा फायदा है। तो बस इतना ही कहना था मुझे आपको, थैंक यू। आज की एक गुड न्यूज थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, न्यूज में देख ही लिया होगा बट फिर भी हमारी भी न्यूज थोड़ी देख लिया होगा यार। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सपोर्ट करें यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।